हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ टू टाइप ऑफ वेरी यूनिक समोसा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और देखने में तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं हमारे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, कोई भी ओकेशन हो या छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका मोइन बन रहा है, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसका सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, इतने हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो इसके टेस्ट को और लाजवाब बना देंगे। तो यहाँ डाला है धनिया, हरी मिर्च और इसके साथ साथ डालूंगी मैं यहाँ पे चिली फ्लेक और थोड़ा सा ऑरिगेनो, जिससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही डाल दिए थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। और इसको बाइंड करने के लिए 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लोर। आप इसके अंदर अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो मैदा डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारे इन्ग्रीडियंट को मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 टाइप ऑफ समोसा बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो आलू का बैटर है हमारा, इसको हम राउंड शेप में कर लेंगे, आधे को हम राउंड कर लेंगे और आधे का हम जैसे हम ब्रेड रोल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए राउंड कर शेप देते हैं, वैसे शेप देंगे। तो ये देखिए इसके तो आधे के मैंने बना लिए हैं ये नींबू साइज़ के बॉल और बाकी जो है इसके हम जैसे हम ब्रेड रोल के लिए रोल बनाते हैं या कटलेट्स के लिए बनाते हैं उस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो बस स्टफिंग के हमने रोल भी तैयार कर लिए हैं और बॉल्स भी तैयार कर लिए हैं ये देखिए। और मैदा भी हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब हम मैदे की लोइयां तोड़ लेंगे, 2-3 जितने भी पार्ट में आप इसे करना चाहें कर लीजिए। इसको हमने ना मतलब जिस तरीके से हम पराठा या रोटी बेलते हैं ना, उसके उस शेप में बेलना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से समोसे के लिए हमें कितना मोटा रखना है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चम्मच मैदा है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लूँगी, जिससे कि हम समोसों को ईजिली चिपका पाएंगे और वो खुलेंगे नहीं तलते वक्त। तो सबसे पहले हम जो हमारे रोज समोसा हैं वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं बेल लिया है, ये देखिए जितना हम पराठा बेलते हैं उतना ही मैंने इसकी थिकनेस रखी है। और अब हम कोई कटोरी या ग्लास लेके उससे हम कट कर लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं इस तरीके से हम इस पर कट लगा देंगे, ये देखिए। और जो हमने बॉल बनाई थी वो इसके सेंटर में रख देंगे। और इस पे साइड पे हम जो हमने अभी मैदे का घोल बनाया था, चारों कॉर्नर्स पे हम सारी साइड पे इसको लगा देंगे। और जो हमारा आलू का डो है इससे हम इसको ओवरलैप करते रहेंगे, इससे एक हमारा बहुत ही फ्लावर का डिज़ाइन बनके तैयार होगा, बहुत ही प्यारा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए कितना बढ़िया ये फ्लावर का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से हम ये वाले अपने सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे अपने रेडी कर लिए हैं रोज समोसे। अब हम बनाएंगे रोल समोसा। तो इसके लिए मैंने एक रोल ले लिया है और इसको हम साइड से कट कर लेंगे। और जो हमने रोल शेप का आलू तैयार किया था इसको हम इस तरीके से बीच में रख के और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और दोनों साइड रख लेंगे आलू को। और यहाँ से हम इसको ओवरलैप यूँ करते रहेंगे और जब इसका एंड वाला पार्ट आएगा तो हम उस पर जो हमने मैदे का घोल बनाया था वो लगा देंगे और इसको अच्छे से इसी के साथ जॉइंट कर देंगे ताकि ये तलते वक्त खुले नहीं। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा भी अपना तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए इसको भी मैं इस तरीके से ओवरलैप कर रही हूँ और एंड में हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो बस रेडी हैं हमारे दोनों समोसे, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे हम सबसे पहले हम अपने रोज समोसे को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे अपने रोल्ड समोसे। तो ये जो रोज समोसे हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इसमें आपको टिक्की का फ्लेवर, समोसे का फ्लेवर, कचौरी का फ्लेवर, सारे फ्लेवर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो इसमें हमने आलू डाले हैं इस तरीके से, तो ये ऊपर से तो हो जाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट रहेंगे जैसे कि टिक्की या कचौड़ी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो रोज़ समोसे हैं हमारे अच्छे से, इसको नीचे से ब्राउन हो गया था तो टर्न ऑफ कर लिया है। तो इसी तरीके से टर्न करते हुए हम दोनों साइड से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो बस रेडी है हमारे रोज वाले समोसे और अब जो हमारे रोल्ड समोसे हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी बस अलट पलट के हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनका भी कितना प्यारा कलर आ गया है। तो बस रेडी है हमारे रोल्ड समोसे और रोज समोसे। तो दोनों को मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और सॉसेस के साथ। आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं स्नैक। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।